स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में फ्रैक्शन के टू डिजिट के एडिशंस सीखे थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं थ्री डिजिट्स। लेकिन इससे पहले वीडियो में अपन लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक के सॉल्यूशन किए थे। इसमें अपन इंप्रॉपर फ्रैक्शन का भी सॉल्यूशन करते हैं। तो इससे पहले इसको सीखने से पहले अपने एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ जो 4 and 1/3 है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो स्टूडेंट्स, पहले जो 4 and 1/3 है, 2 and 1/2 है, प्लस 3 and 1/4 है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो मैंने बताया था एक जो होल नंबर पार्ट है 4 and 1/3, मैंने बताया जैसे 20 में प्लस का सिंबल होता है, ये क्या है, होल नंबर पार्ट है। होल नंबर पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। और वैसे भी आपको पता है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर पार्ट एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं, 4 and 1/3 है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। 4 and 1/3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 8 करेंगे, तो 4 3 की टेबल 4 टाइम बोलो या 4 की टेबल 3 टाइम अपन बोलते हैं, सॉल्यूशन वही होगा। 3 की टेबल 4 टाइम अपन बोलते हैं, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और 13 13/3 प्लस 2 की टेबल 2 टाइम्स, 2 1 2 2 2 4 4 और 1 5 5/2 प्लस 4 की टेबल 3 टाइम्स, 4 1 4 4 2 8, 4 3 12 12 और 1 13 13/4। अब आपके सामने आपने जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद में मैंने आपको बताया था यदि लाइक फ्रैक्शन होता है तो उसका एलसीएम वही संख्या होती है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन होता है उसका एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम हमेशा हम डिनोमिनेटर का लेते हैं, डिनोमिनेटर 3 2 4, इसका एलसीएम जो होगा वो आपके सामने 12 आएगा। और जैसे ही एलसीएम 12 आता है इसको अपॉन डिनोमिनेटर की जगह लिखते हैं। अब देखते हैं, अपन मैंने बताया था कि पहले यदि 2 डिजिट होता है 2 बॉक्स बनाया जाता है, 3 डिजिट होता है 3 बॉक्स बनाते हैं। तो यहां 3 डिजिट है 3 बॉक्स बनाएंगे। फर्स्ट बॉक्स में 13, सेकंड में 5, थर्ड में 13, और यहाँ जो सिंबल होता है ब्रैकेट्स के, दो ब्रैकेट्स के बीच में होगा, यहाँ पर जो प्लस माइनस होता तो माइनस। अब 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ऐसे 2 की टेबल बोलेंगे अपन, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, देयर आफ्टर 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे। 13 टेबल 4 टाइम बोलेंगे, 13 4 52, प्लस 5 6 30, प्लस 13 3 39, अब इनको एडिशन करते हैं तो 121/12 इसका आंसर होगा। ठीक है,